बौद्ध दर्शन तथागत बुद्ध के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते ही हैं। धम्मपदम पर बहुत दिनों से गुरुदेव द्वारा सुन ही रहे हैं। बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित होने से इस दर्शन को बौद्ध दर्शन कहा जाता है। बौद्ध का अर्थ होता है बुद्ध का अनुयायी और बौद्ध दर्शन का अर्थ हुआ बुद्ध द्वारा प्रवर्तित। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व बैसाखी पूर्णिमा को माना जाता है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। अलारकालम उद्दक रामपुत्र आदि के पास गए, सीखे, संतोष नहीं मिला। फिर उरुवेला में 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उसके पश्चात उन्हें गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक उन्होंने अपने मत का प्रचार किया और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा के पास जंगल में परिनिर्वाण प्राप्त किया। तथागत बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी वाणियों का संकलन उनके शिष्यों के द्वारा हुआ। बुद्धवाणी का जो संकलन हुआ उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक 3 पिटारियाँ, पिटक पेटी, पिटारी, त्रि अर्थात 3। त्रिपिटक का अर्थ हुआ 3 पिटारियाँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक बुद्धवाणी का संकलन माना जाता है। इन पर अनेक विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अपनी टीका व्याख्याएं लिखी है। बुद्ध के काल में ही सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकश्यप जैसे उद्भट विद्वान उनके शिष्य रहे हैं। सारिपुत्र को तो बुद्ध का दाहिना हाथ ही माना जाता रहा है और बौद्ध धर्म में सारिपुत्र को धर्म सेनापति कहा जाता है। बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि जो सारिपुत्र जो कह रहा है जानो मैं ही कह रहा हूँ। सारिपुत्र, महाकश्यप, मौद्गल्यायन ये बुद्ध के समान ही ज्ञानी समझे जाते थे। पहले वैदिक कर्मकांड करते रहे सब, बाद में बुद्ध से प्रभावित होकर के ही बुद्ध के शिष्य हो गए थे। बुद्ध के निधन के पश्चात और बड़े बड़े विद्वान बौद्ध परंपरा में हुए, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के नाम हैं नागसेन। इन नागसेन का काल 150 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। नागसेन और यूनान के राजा मिनांडर, इन दोनों से संवाद हुआ था जो मिलिंद पंधों के नाम से प्रसिद्ध है। मिलिंद पंधों, मिलिंद का प्रश्न और नागसेन का उत्तर। इसके पश्चात आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दर्शन में बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं और बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद है इनसे ही प्रचलित माना जाता है। नागार्जुन का काल है लगभग 175 ईस्वी के आसपास। उसके बाद असंग, इसके पश्चात आते हैं नागार्जुन।
नागार्जुन बौद्ध दर्शन में बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं और बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद है इनसे ही प्रचलित माना जाता है। नागार्जुन का काल है लगभग 175 ईस्वी के आसपास। उसके बाद असंग वसुबंधु दिग्नाग धर्मकीर्त शांति रक्षित ये सब इन सबों ने काफ़ी टीका व्याख्याएं लिख करके बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया था। बौद्ध बुद्ध के बारे में और बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते ही हैं। उन्होंने जो कहा उसी पर ही हम थोड़ा देखें। ये तो पहले हम बहुत पढ़ चुके हैं, तथागत बुद्ध का जमाना दार्शनिक दृष्टि से उथल पुथल का जमाना रहा है, अत्यंत शुद्ध जमाना, वाद विवाद का युग। बड़े बड़े दार्शनिक उस समय थे, बताया ही गया था कि उस समय पूर्ण काश्यप, अजित केस कम्बल, प्रकृत कात्यायन, संजय विलट्ठीपुत, मक्खली गोसाल, ये बुद्ध के समकालीन थे और इनमें से कुछ उच्छेदवादी थे, कुछ नियतिवादी थे, कुछ संदेहवादी थे। किसी किसी का तो ये कहना था इन विद्वानों में से, जैसे पुण्यकाश्यप ही हैं, बहुत बड़े विद्वान थे और बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा इनका गुरुकुल चलता था, बहुत शिष्य इनके थे, लेकिन इनका सिद्धांत क्या था? पुण्यकाश्यप कहते थे कि किसी भी कर्म का फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है, चाहे गांव के गांव को फूंक दो कोई फल नहीं होने वाला है, चाहे किसी की कितनी भी हत्या करो, चाहे कितना चोरी करो, चाहे परस्त्री गमन करो, चाहे बलात्कार करो, कुछ पाप नहीं लगेगा, और चाहे कितना दान करो पुण्य करो कुछ फल होने वाला नहीं है। वो तो यहां तक कहते थे संसार के प्राणियों को मार करके लाश खलिहान बना दो, कोई पाप होने वाला नहीं है, ऐसा भी वो कहते थे। सीधी बात यह है कि चाहे जैसा करो कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलेगा, ये पुण्यकाश्यप का मत रहा है। प्रकृत कात्यायन बुद्ध से ज्येष्ठ रहे हैं उम्र में, लेकिन उनके समकालीन थे। इनका सिद्धांत था शाश्वतवाद, नित्य पदार्थवाद भी इसको कहते हैं। प्रकृत कात्यायन सिद्धांत था शाश्वतवाद, नित्य पदार्थवाद भी इसको कहते हैं। प्रकृत कात्यायन पृथ्वी जल, प्रकृत कात्यायन पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख और आत्मा, इन सात पदार्थों को नित्य मानते थे, शाश्वत मानते थे कि ये सातों पदार्थ अनिर्मित हैं, कुटस्थ हैं, बिल्कुल हमेशा रहने वाले, न तो इनकी उत्पत्ति भी न विनाश होगा। लेकिन इनके साथ साथ ये भी मानते थे जब पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख आत्मा ये सात है, तो कोई किसी को मार रहा है तो कैसे मारेगा, आत्मा को थोड़े मारेगा, वो आत्मा तो शाश्वत है। इसलिए न तो कोई सुनने वाला है और न कोई सुनाने वाला है, न कोई मरने वाला है और न कोई मारने वाला है। यदि कोई किसी को तीक्ष्ण छुरा से काटता भी है, किसी को नहीं काटता, वो जो उसका छोरा शून्य स्थान में गिरेगा, किसी का आत्मा पर थोड़े गिरेगा। शाश्वतवादी भी है, ऐसा भी कहता है किसी को मारता है तो उसको किसी को मारता वारता कुछ नहीं है, वो शून्य स्थान में उसका शस्त्र जाकर के गिरेगा। इसलिए
मारने वाले को कुछ कुछ पाप आपने लगेगा, सुख दुख तो नियत ही है, अरे वो तो पहले से तय है, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा चाहे आज जो करो, ये उनका सिद्धांत था। ऐसे ही और सब अजीत केश कंबल का ये कहना था कि मरने के बाद सब कुछ का नाश हो जाना है, न लोक है न परलोक है न आत्मा है, कुछ नहीं है, शरीर बन गया है मिट्टी पानी आदि से, शरीर जब छूट जाएगा तो अपने अपने अपना जो मूल कारण है उन कारणों में जाकर के समाप्त हो जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी, चाहे मूर्ख हो चाहे पंडित, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, मरने के बाद सब कुछ का पूरी की पूरा का पूरा विनाश हो जाना है, मरने के बाद कोई सत्ता शेष नहीं बचती है, इसलिए चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो कोई मरने के बाद किसी का फल नहीं मिलने वाला है, ये अजित केश कंबल का सिद्धांत माना जाता है। तो ऐसे ही कोई उच्छेदवादी थे, कोई शून्यवाद, कोई साक्षात अजित केश कंबल का सिद्धांत माना जाता है, सिद्धांत माना जाता है। तो ऐसे ही कोई उच्छेदवादी थे, कोई शून्यवाद, कोई साक्षात्वादी थे, कोई संदेहवादी थे, संदेह बिला टिप्पू संदेहवादी थे, कोई पूछा जाता था आप मुख बारे में कुछ आप बताएंगे तो कह मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे जमाने में बुद्ध दर्शन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े, उन्होंने मुख्य रूप से सदाचार पर, वैराग्य पर, समाधि पर, आचरण पर जोर दिया, कहा कि देखो दुख जीवन में है, वो दुख दूर कैसे हो इसके लिए प्रयास करो, दुख कैसे आता है, क्यों आता है, कारण क्या है दुख का, दूर कैसे हो सकता है इसके लिए प्रयास करो, आत्मा अमर है कि अमर नहीं है, मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता क्यों करते हो, आप दुख सामने हैं, सामने दुख भोग रहे हो, ये दुख दूर कैसे हो इस ये सोचो और उसके लिए उपाय करो। बहुत वो तत्ववाद के चक्कर में नहीं पड़े। तो बुद्ध के दर्शन में चार आर्य सत्य बहुत प्रसिद्ध है, तथागत बुद्ध ने चार आर्य सत्यों पर बहुत जोर दिया है, चार आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यहां वो भूल जाइए आर्य अनार्य वाले, जो कि आर्य के लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए वाली आर्य से हाँ मतलब नहीं है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य सत्य श्रेष्ठ सत्य, पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य, दुख है सबका अनुभव है दुख है, कोई नहीं कह सकता कि दुख नहीं है, दुख का अनुभव सब करते हैं, प्रिय का वियोग अप्रिय का संयोग आदि ये दुख है ही, दुख आर्य सत्य तो दुख है तो दुख का कोई कारण होगा, यदि अकारण दुख है तो हम दुख को तो दूर कर सकेंगे, तो दुख है तो दुख का कोई कारण होगा। तो दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय आर्य सत्य, समुदाय जिन कारणों से दुख उदित होता है उसे समुदाय कहा गया है, दुख समुदाय आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध आर्य सत्य, जब कारण है यदि दुख है और दुख का कारण है, इसकी सीधी सी बात यह होगी कि उन कारणों को दूर कर दिया जाए तो दुख का निरोध हो जाएगा, दुख की समाप्ति हो जाएगी, इसलिए दुख निरोध आर्य सत्य, ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य, जिन कारणों से जिन उपायों से दुख दूर हो वह आर्य सत्य। तो ये चार आर्य सत्य हैं, पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य,
जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर प्राणी को न मालूम कितने प्रकार के दुख सहन करना पड़ता है। जन्म ही दुख है, फिर जीवन में रोग आ गया, बुढ़ापा आ गया, प्रिय का वियोग हुआ, अप्रिय का संयोग हुआ, धन की हानि हुई, अपमान हुआ, मृत्यु हुई, ये सब प्रत्यक्ष दुख है। वस्तुतः जीवन धारण करना ही दुख है। ये ऐसे दुख हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जब तक दुख जीवन है तब तक दुख है, तब तक समस्या है। वही बात मुझे याद आती है, बहुत दिन हो गया, एक बार गुरुदेव जी के साथ हम लोग बिहार के कार्यक्रम में थे, गुरुदेव जी कार्यक्रम था, उधर जाना था इधर गोरखपुर से और आगे इधर गोंडा तरफ, तो झाझा स्टेशन में ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन हावड़ा से आ रही थी तो थोड़े विलंब से ट्रेन आई, हम लोग रिजर्वेशन था, डिब्बे पर चढ़े तो और दूसरे लोग बैठे थे हम लोगों की सीट पर, उनसे कहा भैया गया अभी कि सीट हमारी है, आप छोड़ दें। तो उन लोगों ने तो कुछ लोगों ने तो तुरंत छोड़ दिया, कुछ लोगों ने कहा सुनने पर छोड़ा। बहुत लोग बैठे थे, अब हम लोग जागे तो उन्हें जगह मिली नहीं। तो टीटी जब आया तो उन लोगों ने कहा भाई कि टीटी से भाई कोई बर्थ खाली हो तो दीजिए। तो टीटी ने कहा कि एक भी बर्थ खाली नहीं है। तो एक यात्री ने कहा तब तो बड़ी समस्या है, एक भी बर्थ खाली नहीं है, बड़ी समस्या है। तो टीटी ने कहा अरे अरे जीवन ही समस्या है, जब तो जीवन है तब तो समस्या से छुटकारा कैसे पाओगे। तो जीवन है तो दुख तो आएगा आएगा, तो दुख आर्य सत्य। ये पहला, हर प्राणी को दुख का अनुभव होता है। दुख है तो दुख का कारण कौन होगा कि ये मान ले कि दुख बिना कारण के है। अब ये दुख बिना कारण के है अपने आप, तो फिर दुख से छुटकारा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना कारण के है तो हम उसे दूर कैसे करें। अब कारण है तो हो सकता है, तो दुख समुदाय, दुख जिससे उदित हो, दुख का उदय जिससे हो, वह कारण क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुख का कोई एक कारण नहीं है, किंतु एक लंबी श्रृंखला है। दुख के उन्होंने 12 कारण बताए या 12 श्रृंखला, जिसे बौद्ध दर्शन की भाषा में हम कहते हैं द्वादश निदान। वे कौन कौन से हैं? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जात, जरा मरण। ये 12 श्रृंखला है दुख उत्पत्ति के। इन 12 श्रृंखलाओं में ये बताया गया है कि पहले के जो दो हैं अविद्या और संस्कार, इनका संबंध पूर्व जन्म से है, आज वर्तमान जन्म से नहीं, इस जन्म के पहले जो जन्म था उस जन्म से संबंध है ये अविद्या और संस्कार। बाकी तीसरे से लेकर के 10वें तक का संबंध आज वर्तमान जन्म से है, और 11वां और 12वां का संबंध आगे आने वाला जो जन्म है, भविष्य का जन्म, उस जन्म से संबंधित है। लेकिन जो भी हो, ये बताया गया है कि ये 12 कारण हैं, और एक के होने पर दूसरा होता है। जैसे हम माने कि जरा मरण, आदमी बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु भी होती है,
कहीं कहीं जरा को और मरण को अलग कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं जरा मरण को एक साथ रखा गया है। जहां जरा मरण को अलग किया गया है वहां पर जरा को 11वां कारण बताया गया है और मरण को 12वां, लेकिन जहां पर जरा मरण को एक साथ रखा गया है वहां पर जरा मरण को 12वां कहा गया है और 11वां बताया गया है जाति। जाति का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जैसे जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, उसकी मृत्यु क्यों होती है, इसलिए कि उसका जन्म हुआ है। जन्म नहीं होता, शरीर ही नहीं मिलता, तो न तो बूढ़ा होता न मरता। तो जरा मरण का कारण है जन्म लेना। अब प्रश्न यह होता है तो जन्म लेने का कारण क्या हुआ, आखिर जन्म लिया आदमी तो जन्म लेने का कारण क्या है। तो जन्म लेने का कारण है भव, अर्थात पुनर्जन्म उत्पन्न करने वाले कर्म। ऐसे हमारे जो कुछ कर्म थे जिनके कारण हमने जन्म लिया, तो जन्म का कारण है भव अर्थात पुनर्जन्म उत्पन्न करने वाले कर्म। अब प्रश्न यह होता है कि वो जो जन्म लेने वाले जो कर्म बने उन कर्मों का कारण क्या है, तो उन कर्मों का कारण है उपादान। यहां उपादान का अर्थ है आसक्ति। जो कुछ हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसमें आसक्ति बन जाती है, प्रीता बन जाती है। तो जब आसक्ति बनती है तो उस आसक्ति से कर्म बनता है और उसी कर्म से जन्म लेना पड़ता है। तो उस उपादान को कहा गया है, इस आसक्ति को बौद्ध दर्शन की भाषा में कहते हैं उपादान। अब प्रश्न होता है कि ये उपादान क्यों बना, आसक्ति क्यों बनी, ये कहते हैं तृष्णा के कारण से। और मिले और मिले और मिले, ये जो अधिकर्षी की जो लालसा है, तो तृष्णा के कारण से उपादान बनता है या आसक्ति बनती है। अब प्रश्न होता है ये तृष्णा क्यों बनती है, फिर इसका कारण है वेदना। यहां वेदना का अर्थ दुख नहीं, वेदना का अर्थ है विषयों में सुख और दुख की अनुभूति। जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं उसमें जो एक प्रीता होती है, सुख मिलता है, तो सुख जब मिलता है तब और मिले ये तृष्णा होती है। तो वेदना का अर्थ है विषय उपभोग के द्वारा सुख की जो अनुभूति होती है तब उसमें तृष्णा होती है। तो वेदना का अर्थ होता है वैसे ज्ञान, वेद का अर्थ होता ही ज्ञान, और वेदना का अर्थ हुआ अनुभूति, विषयों में सुख की अनुभूति, ये वेदना। प्रश्न होता है कि वेदना क्यों बनी, तो वेदना का अर्थ होता है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ क्या है, इंद्री द्वारा विषयों का उपभोग। इंद्रियां जब विषयों को ग्रहण करती है इसको कहा जा गया है स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या है, षड आयतन, पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन, ये स्पर्श कारण है। इंद्रियां न होती तो विषयों का उपभोग ना होता, विषयों से संपर्क ना होता, तो ये पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन, इसे कहते हैं षडायतन। तो ये जो षडायतन ही स्पर्श का कारण है। षडायतन का कारण क्या है, नाम रूप। नाम रूप, नाम और रूप, ये शरीर का आकार, ये रूप है, और शरीर का एक नाम बना, इसका एक नाम रखा गया। तो नाम रूप, मन और शरीर की अवस्था, शरीर का एक आकार, ये नाम रूप है। नाम रूप का कारण क्या है, विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है चैतन्यता। विज्ञान का कारण क्या है, विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार, पूर्वजन्मों में हमने जो कुछ कर्म किया था उनके संस्कार टिक गए, वे कर्म फल भोग देने से बच रह गए थे। तो वे जो कर्म हैं तो वही संस्कार के रूप में टिके, उन्हीं संस्कारों से विज्ञान पैदा हुआ, चैतन्यता प्रकट हुई। तो विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार क्यों बने, उसका कारण है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं, तत्व ज्ञानहीनता, अज्ञान।
जो जैसा है उसको उस रूप में समझ ना पाना, ये अविद्या है। इस प्रकार अविद्या से लेकर के जरा मरण तक दुख उत्पन्न होने के ये 12 कारण हैं। इन कारणों को मिटा दिया जाए तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के ये 12 कारण। अब तो पता चल गया कि दुख उत्पन्न होने के ये 12 कारण हैं। तो कारण को जान लिया गया तो उन कारणों को हटाया भी जा सकता है। रोग को जान लिया गया तो रोग जिन कारणों से उत्पन्न हुआ उन कारणों को हम दूर कर दें तो दुख दूर हो जाएगा। तो ये जो रोग के कारण को जान लिया गया तो फिर दुख का निरोध करना सरल हो गया। तो उन कारणों को हटा देंगे दुख दूर हो जाएगा। तो दुख निरोध अर्थात दुख की समाप्ति भी होती है, यह एक आर्य सत्य है। और दुख जब समाप्त हो जाएगी तब निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न यह होता है कि दुख निरोध का कारण क्या है, किन उपायों से, किन कारणों से, किन साधनों से दुख का निरोध होगा, दुख दूर होगा। उसके लिए महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का वर्णन करते हैं। 8 मार्ग, 8 उपाय बताते हैं। वे 8 उपाय हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं दुख दूर करने के। अब इसकी व्याख्या कल।